इस कार्यक्रम में काफी विलंब हो चुका है। मैं ठीक 11 बजे बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतर गया और तब से लेकर अब तक मैं यहाँ से गए फोन ही सुन रहा था लगातार, कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है आदि आदि। और ये आपके धीरज की प्रशंसा करनी चाहिए सबसे पहले, विषय बाद में आएगा, कि आप लोग भी डटे ही रहे और मोर्चा संभाले रहे। सामान्यतया हम राजनीतिक कार्यकर्ता कार्यक्रमों में विलंब से पहुंचने के लिए माफ़ी मांग लेते हैं, तो हम माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहे कि यहाँ से कहा जा चुका है कि नेताओं को तो कुछ को तो हम ऐसे ही निपटा देते हैं। तो अगर मैं माफ़ी मांगूं तो माना जाएगा कि वो हमको निपटा रहे हैं कि हम उनको निपटा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमको विद्वान और विचारक और तमाम बातें बताई गईं, और सामान्यतया किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उसे बनाते हैं जो थोड़ा सा चर्चित हो। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी चर्चा है। हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भगवंत नगर से विधायक हैं, पहले कई बार विधायक रहे, विधान परिषद में रहे, और जब भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप में काम करते थे, इस समय निष्क्रिय हैं। अध्यक्ष राजनीतिक काम कर नहीं सकता, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर रहे, ये बात ठीक है। लेकिन जहाँ पर भट्ट जी हों, जहाँ पर और विद्वान हों, प्रोफेसर हों, दीनदयाल उपाध्याय चेयर के संभालने वाले कर्मठ और योग्य आचार्य हों, वहाँ पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है। और ये प्रशंसा प्रायः इसलिए की जाती है, उसे बाद में बोलना रहता है, तो तब तक लोग चले न जाएं इसलिए बीच बीच में बताते रहते हैं कि बहुत विद्वान हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत कर्मठ हैं। और सच बात तो ये है कि मैं विश्वविद्यालयों को दूर से देखा करता था। लखनऊ हमारा निकट का शहर है, वहाँ से हमारा गांव क्षेत्र 50 किलोमीटर पड़ता है, तो बहुत दूर से लखनऊ विश्वविद्यालय का गेट और वहाँ किसी के साथ चला गया तो वहाँ की बातें गपशप, और बहुत दूर से वीसी को देखता था, तो हमारे मन में एक कल्पना थी कि ये भी आदमी ही की तरह हैं क्या, क्योंकि वो प्रायः जो बहुत विद्वान होते हैं वो हंसते नहीं, ऐसा होता है ना। आपका अनुभव क्या है? मैंने तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की नहीं, हम तो साधारण कॉलेज में पढ़े एमए तक, और उसी समय देहाती नेतागिरी में चले गए थे। तो लेकिन मेरे मन में ये होता था जैसे प्रिंसिपल से मिले अपने डिग्री कॉलेज से, तो हमने प्रणाम किया, पैर छुए, लेकिन वो हंसे नहीं। हम लोगों की इच्छा होती है कि हमसे कोई कहे, जैसे हमने प्रणाम किया अपने प्रोफेसर को, पैर छुए, तो वो हमसे कहें हृदय नारायण कैसे हो, तो अच्छा लगे। लेकिन वो जिस दिशा में जा रहे हैं उसी में चले गए। अब ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अब मुझे नहीं मालूम। अब इधर जब से मैं विधानसभा का अध्यक्ष हुआ तो लोग मुझे विद्वान कहने लगे। किताबें पहले भी हमारी छपी थी, और हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हैं, दीनदयाल उपाध्याय पर आग्रह करके, दीनदयाल उपाध्याय अर्थशास्त्र राजनीति और दर्शन, ये उमा शंकर जी प्रथम पंक्ति में बैठे चंदौली के रहने, इनका प्रकाशन है, तो इन्होंने ही आग्रह करके पुस्तक लिखवाई थी, काफ़ी सुंदर किताब है, इन्होंने ही प्रकाशित किया था।
तो जब मैं अध्यक्ष हो गया, यहाँ के लोग तो हमको प्यार करते रहे, पहले भी मैं कई बार आया हूँ, लेकिन फिर हमारा मार्केट चल गया। लोग बुलाने लगे, फोटो लगाने लगे, सड़क पर फोटो लगाने लगे मुख्य अतिथि के रूप में। मुझे भी लगा कि थोड़े दिन का मौसम है, मेला ख़त्म होगा तो फिर लौट जाना पड़ेगा। रामलीला होती है ना, तो रामलीला में जो व्यक्ति राम बनता है तो उसका काम मुख्य रूप से 5 घंटे का होता है, अगर एक रात की रामलीला हो तो। वो मंच पर खड़ा कर देते हैं उसको, और हम लोग जो नेता लोग मुख्य अतिथि बनते हैं तो उस राम का रूप धारण किए तो उसका हम लोग आरती करते हैं, केला रखते हैं उसके आगे, अगरबत्ती लगाते हैं। और जब 5 बजे रामलीला ख़त्म हो जाती तो उससे कोई बोलता नहीं, फिर अपने गांव चला जाता है वो। तो हम लोगों का ऐसे ही 5 साल होता है। इसके बाद तो फिर कोई पूछेगा नहीं। तो हम लोग भी इस कार्यक्रम में आना था, वो ज़्यादा लिखने के कारण 3 घंटा 4 घंटा मैं अभी भी लिखता पढ़ता हूँ, तो बीमारी वो जो बड़े आदमियों को हो जाती, ज़्यादातर जज को प्रोफेसर को होती, लेकिन पता नहीं मुझे नेता कैसे हो गई स्पॉन्डिलाइटिस। तो उसका कल ज़्यादा प्रकोप हुआ नहीं, मैं एक दिन पहले आने वाला था, पहले यही तय हुआ था कि मैं कल शाम को आ जाऊँगा। तो जब साहस नहीं हुआ आने का गर्दन के कारण, तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, उन्होंने कहा अच्छा सवेरे जहाज लेकर चले जाना। तो अब मैं जहाज से आया, ये बता इसलिए रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझो कोई छोटा आदमी आया है। नेता लोग बताते हैं कि फिर मैं जहाज से आया, फिर ऐसा हुआ। और नेता का ये भी रहता है कि जाए चाहे लखनऊ, लेकिन बताता है कि हम दिल्ली से लौट रहे हैं, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो मैं समझता हूं कि अब हम लोग विषय के भीतर चलें। साधारण से असाधारण हो जाना ये श्रम तप परिश्रम के आधार पर संभव है। मंच पर विराजमान महानुभाव असाधारण प्रतिभा वाले हैं, आगे की पंक्तियों में जो बैठे हैं मित्र वे भी असाधारण प्रतिभा वाले हैं। असाधारण होने के लिए हमारे भारत के लोक जीवन में परिश्रम को महत्वपूर्ण बताया गया, परिश्रम को, अध्ययन को, आचार्य की सेवा को, और इस देश की धरती के जीवन मूल्यों के अनुसरण को। हम प्रयासपूर्वक असाधारण हो सकते हैं, लेकिन असाधारण होकर भी साधारण बने रहना ये बड़ा कठिन काम है। इसके लिए कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं। हमने छात्र जीवन में रेलवे बुक स्टॉल में कुछ अमेरिकी लेखकों की व्यावसायिक किताबें पढ़ी थी, जैसे संपन्न कैसे बना, ये किताब प्लेटफार्म पर दिखाई पड़ती है। डेल कार्नेगी की किताब बहुत पहले कभी पढ़ी थी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, कैसे दोस्त बनाएं। अब दोस्त बनाने पर वो किताब लिख रहा है, इसका मतलब दोस्त बनाना भी एक व्यापारिक काम है, कोई आत्मीय, कोई प्रीति, कोई प्रेमपूर्ण काम नहीं है। तो इस तरह की किताबें, उसी की एक किताब थी सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय पब्लिक स्पीकिंग, कैसे भाषण के माध्यम से आत्मविश्वास भरा भाषण कैसे डिलीवर करेंगे। तो एक ये तरीका असाधारण बनने का, असाधारण बनने पर किताबें हो सकती हैं और होती भी हैं। कोई पीएचडी करता है तो पुस्तकों का अध्ययन करता है, कुछ अपनी मेधा पीएचडी हो जाता है, आचार्य बनता है तो लेखकों की पुस्तकें। और लेकिन ये जब हम असाधारण हो जाएं, तो असाधारण होकर भी हम अपने निजी जीवन में और राष्ट्र जीवन को समुन्नत करने के अपने प्रयासों में हम लगातार साधारण की भूमिका में बने रहें, यह काम बड़ा कठिन है। और हम विश्व इतिहास पढ़ें, आप सब, मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ ये सारी दुनिया में
ज्ञान का, विज्ञान का, अध्ययन का, अनुभूति का, सारी दुनिया की बहुत बड़ी यह यूनिवर्सिटी है। और हम लोग अपने छात्र जीवन में यहाँ के बारे में सुना करते थे, एक बार वहाँ जाने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, भवन देखने को मिल जाए। तो आप सब यहाँ के हैं, यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यहाँ से संबंधित हैं काशी विश्वविद्यालय से। और मेरा जोर इस बात पर है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता के आधार पर समाज जीवन में स्थान बना लेता है। मैं फिर दोहराऊंगा, ये काम बड़ा नहीं है, लेकिन उसी समाज जीवन के साधारण अंग के रूप में समाज जीवन के साथ बैठते, उठते, हंसते, समाज जीवन को लाभान्वित करते, राष्ट्र जीवन को और यशस्वी बनाते, व्यक्ति साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया करे, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। हमारा सौभाग्य है कि ऐसा उदाहरण अगर हमको देना हो बहुत जल्दी में, और हमसे आपसे कहीं कोई कहे कि सूची तो बड़ी है लेकिन कोई दो नाम छांटो, तो दो नाम जब आप छांटने बैठोगे तो कोई बड़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे बड़ा कोई दूसरा नाम नहीं है, असाधारण। हर तरह की प्रतिभा, गौरी शंकर, शिखर जैसी, हिमालय जैसी ऊंची, समुद्र जैसी गहरी। और निजी बातचीत में यहाँ तो बहुत लोग होंगे जो मिले होंगे, कथाएं सुने होंगे उनकी, उनके काम करने का रंग ढंग देखे होंगे, और जब हम उनके चित्र की तरफ भी देखते तो ऐसा लगता है ना कि बड़े साधारण कोई व्यक्ति हैं। और दीनदयाल उपाध्याय इसी परंपरा में, इसी परिपाटी में दूसरे व्यक्ति हैं, और दोनों को किसको नंबर एक कहें, किसको नंबर दो कहें। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित था, चर्चित है, चर्चित रहेगा। ऐसे लोगों के बारे में कभी भूतकाल में बात करने में अच्छा नहीं लगता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। जीवनी यहाँ पर कई बार बताई गई होगी, इसलिए मैं जीवनी का प्रसंग नहीं लूँगा। अपना अध्ययन, अध्यापन, सीखना, इसको आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बन गए। और जब भारतीय जनसंघ बन रहा था तो संघ की और जो कर्ता धरता उसके बनाए जा रहे थे, उनकी योजना के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पार्टी का वैचारिक ढांचा हमारे पास था, विचार परिवार का मुख्य काम उनको सौंपा गया। राजनीतिक दृष्टि से कोई काम करना यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो भी ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि राजनीति के सारे काम अल्पकालिक होते हैं। सारे काम हम कार्यकर्ता निर्मित कर रहे हैं अल्पकाल है, हम आपको सदस्य बना रहे हैं किसी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का और किसी पार्टी का, ये अल्पकालिक काम है। हम किसी रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, मुख्य अतिथि हैं, छोटे अतिथि हैं, कार्यकर्ता उस रेलवे स्टेशन पर भीड़ बनाए खड़े हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं, हृदय नारायण जिंदाबाद, मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, ये अल्पकाल है। राष्ट्र निर्माण का काम अल्पकाल में होता नहीं, ये दीर्घकाल में चलता है। पीढ़ियाँ आती हैं, पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, ग्रह नक्षत्रों की दिशा और गति बदल जाती, बड़ा लंबा काम है राष्ट्र निर्माण का काम। और ये यूरोप की एक कहावत भी है, पॉलिटिशियन ऑलवेज थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन, नेता, राजनेता हमेशा अगले चुनाव के बारे में सोचा करता है। हम भी अपने क्षेत्र जाते हैं तो गणित लगाया करते हैं, 2022 आ रहा है तो उधर ध्यान रहता है, लेकिन जो हम अखबारों में लिखते हैं वो हमारी कोशिश रहती है कि वो दीर्घकालिक ही रहे। तो कठिनाई भी आती है, संपादक उस पन्ने के हेड प्रायः बार बार कहते हैं कि बड़ा दीर्घकाल समेट रहा, और अखबार का काम क्या है, अखबार तो बुक ऑफ द डे होता है, उस दिन की किताब होता है जो सवेरे 7 बजे 7:30 बजे
आपके हाथ में आती है और शाम को 12:30 तक, 2:30 तक, 3 तक बूढ़ी हो जाती, 6 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो राजनीति का काम अल्पकाल का काम होता है। दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यांकन करने बैठेंगे तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन राजनीति को दीर्घकाल में ले जाना यह मूल्यांकन करने बैठेंगे तो फिर राजनीति ऐसा लगेगा कि राजनीति भारत के राष्ट्र जीवन की परंपरा, संस्कृति, रीति और नीति की सहायक की भूमिका में खड़ी है। दीनदयाल उपाध्याय राजनीति को सहायक की भूमिका में रखना चाहते थे और वो निजी बातचीत में, गपशप में कहते थे कि हम लोग भारतीय राजनीति में एक प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग। तब कहाँ पता था कि हम लोग विधायक बनेंगे, हम लोग ग्राम प्रधान भी नहीं हुआ करते थे 51-52 में इस पार्टी के लोग, तो कोई अनुमान नहीं था कि क्या होगा। तो उनका कहना था कि हम राजनीति में भारतीय संस्कृति के दूत हैं, एम्बेसडर हैं, संस्कृति के विषय ले जाते हैं राजनीति में। तो इस तरह दीनदयाल जी का एक अलग सोचने का ढंग और पूरे देश की राजनीति को देश की संस्कृति के अनुशासन में रखने का काम यह उन्होंने शुरू किया। अब इसके कारण तमाम हो सकते हैं और उसकी व्याख्या राजनैतिक दृष्टि से करते समय नेहरू की असफलता या नेहरू की नीतियां, उनकी निंदा आलोचना हो सकती है, लेकिन दीनदयाल जी उपाध्याय के पूरे व्यक्तित्व, अर्थनीति, राजनीति और दर्शन, इन तीनों को समेट कर समझते समय हमारे आपके सामने बार बार वही बात आएगी कि दीनदयाल उपाध्याय जी को केवल राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता समझना उचित नहीं होगा। गांधी जी भी राजनीति करते हैं और बड़ी स्पष्ट राजनीति उनकी दिखाई पड़ती है। उनसे बार बार अंग्रेजी सत्ता के सामने आंदोलन करने की बात उस समय के कांग्रेस जन करते हैं। गांधी जी बार बार कहते हैं कि यह तो कांग्रेस बड़ी अनुशासनहीन है, ये बड़ी अराजक हो गई है, इसके लोग सिद्धांतहीन है, इसके लोग सत्याग्रह नहीं जानते हैं, ऐसी कांग्रेस को लेकर हम कहाँ लड़ाई कर पाएंगे। ये गांधी, संपूर्ण गांधी वांग्मय के वाक्य में बोल रहा हूँ, कल्पना से नहीं बोल रहा हूँ। तो गांधी जी एक साथ भारतीय राष्ट्रभाव को गति दे रहे थे, गांधी जी राष्ट्रभाव के साथ कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग, उस समय के अनुसूचित जातियों के वर्ग, दलित वर्ग, उनको बराबर लाने का काम कर रहे थे। इसका संबंध इलेक्शन से नहीं था, इसका संबंध आज़ादी की लड़ाई से नहीं था। तो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे थे, कुल मिलाकर राष्ट्र के लोक मंगल की हित साधना के लिए गांधी जी का काम था। दीनदयाल उपाध्याय जी का भी काम उसी प्रकार का था और है। और आज एक ऐसी परिस्थिति है दुनिया के सामने, जो आज का विषय है मुख्य, पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी देश अपने मूल रूप में शांत नहीं है। और आप सब टेलीविज़न देखते होंगे, हम लोग कम देखते हैं, इस पंक्ति वाले कम देखते होंगे समय के अभाव में या किसी अन्य कारण से। तो बहुधा जो मुख्य धारा के चैनल हैं उनमें आपको दिखाई पड़ेगा कि ये तो तोप ये नई बनी है, ये इतने करोड़ की है, इतने अरब की है, फिर किसी किनारे कोई गोला दगेगा, फिर पूरे टेलीविज़न पर उसका धुआं छा जाएगा। तोपों का जो तोप या मिजाइल या नई तरह के जहाज या नई इधर तो डिफेंस एक्सपो भी लगा था, तो उसके कंटेंट को छोड़कर वैसे आप कोई CNN देखिए, कोई दुनिया का और चैनल देखिए दुनिया के किसी दूसरे कोने का, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर व्यक्ति, हर सरकार अपने को गोला बारूद से संपन्न बनाना चाहती। एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के रूप में हम भी कहेंगे कि भारत को शक्ति संपन्न बनना चाहिए, लेकिन यह है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है शक्ति संपन्न होना। अच्छा और प्रामाणिक आदमी बनाने के लिए गोला बारूद की जरूरत तो नहीं पड़ती। और सारी दुनिया में अच्छे और प्रामाणिक लोग बने और इस धरती के प्रति, आकाश के प्रति, धरती और आकाश के मध्य उड़ते हुए पशु पक्षियों के प्रति,
धरती पर बहने वाली नदियों के प्रति, नदियों को वो प्राणवान माता की तरह देखें। यह बात सबसे पहले ऋग्वेद के ऋषि ने कही थी कि हम सारी दुनिया को आर्य बनाना चाहते हैं। आर्य वैदिक साहित्य में आर्य की परिभाषा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन, जो लोकमंगल से जुड़े लोग हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। तो हम सारी दुनिया को बनाना चाहते हैं श्रेष्ठ संवेदनशील मनुष्य। ये हमारे पूर्वजों का एजेंडा था, इसी एजेंडा को बढ़ा रहे थे महात्मा गांधी जब सारी दुनिया की बात कर रहे थे, इसी एजेंडा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे विनोबा भावे जब सारी दुनिया की बात कर रहे थे, और सारी दुनिया को संवेदनशील बनाने के इसी एजेंडे पर काम कर रहे थे महात्मा बुद्ध। एजेंडा तो वही था। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहते हैं कि सत्य तो एक है, उसे पंडित जन विद्वत जन भिन्न भिन्न तरह से गाते सुनाते हैं। तो जब एक अनुभूति आई सत्य की और किसी व्यक्ति ने आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले उसको अभिव्यक्त किया अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, अपने गीत में, समय बीतता है, दिक काल अंगड़ाई लेता है, टाइम स्पेस, और उस अंगड़ाई के साथ फिर नए गीत की, नए सुर की आवश्यकता होती। सनातन सत्य वही रहते हैं, सूर्य की गति, सूर्य की आभा, सूर्य का तेजस, सूर्य का ओजस, चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा का आकर्षण, चंद्रमा का प्रभाव, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, पशु पक्षियों का, वन का, पूरे ब्रह्मांड का हमारे ऊपर प्रभाव, ये शाश्वत सत्य हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। समय और स्पेस, टाइम और स्पेस बदलता है, तो फिर उसी शब्द को, उसी गीत को, उसी कविता को, उसी ऋचा को, उसी मंत्र को फिर से गाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऋग्वेद का ऋषि अपने ढंग से कह रहा है, राष्ट्रभाव के बारे में कह रहा है, और पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही चेतना देख रहा है, ये उसका अपना ढंग है। और एक ही चेतना को फिर उसके बाद यजुर्वेद का ऋषि दूसरे ढंग से बात कर रहा है, बात वही कर रहा है, फिर अथर्व का ऋषि वही बात कर रहा है, फिर उपनिषद के ऋषि वही बात कर रहे हैं, फिर कहीं बुद्ध वही बात कर रहे हैं, फिर बहुत दूर यहाँ से यूनानी दर्शन के पितामह थेल्स वही बात कर रहे हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर, फिर पाइथागोरस वही बात कर रहे हैं, फिर हेराक्लेटस वही बात कर रहे हैं। कई बातें तो ऐसी मिलेंगी, हेराक्लेटस कहते हैं अग्नि से ही सब आता है, अग्नि में चला जाता है, अग्नि में समा जाता है। कठोपनिषद का ऋषि कहता है अग्नि अर्थ है को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ। तो जो हेराक्लेटस कह रहे हैं वही वो भी करा, कहना पड़ेगा वही, क्योंकि सत्य तो वही है, सनातन सत्य वही है। तो दो तरह के सत्य, एक सनातन सत्य, एक अल्पकालिक सत्य। दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, ऐसे लोग यह सनातन सत्यों को अपने ढंग से रख रहे थे। और प्रकृति सृष्टि एक है, यह बात वैदिक काल से, ये बात उत्तर वैदिक काल से, ये बात बुद्ध के काल से चली आ रही कि पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस ये एक इकाई है, और इस एक इकाई को हम एक नहीं जानते, इसलिए कष्ट है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जो विभाजित दिखाई पड़ने वाले इस जगत को अविभाजित एक देखता है, वही वास्तव में देखता है, सपश्यत या पश्यति। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मानव दर्शन वही बात तो है। गीता में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इनका समुच्चय बताया गया, कृष्ण ने अर्जुन को बताया। दीनदयाल उपाध्याय भी इसी बात को कहते हैं और वो लागू करते हैं देश पर, कि जैसे मनुष्य में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा होते हैं, ऐसे ही देश में धरती, लोग, संस्कृति, चेतना, ये मिलकर देश भी मनुष्य की तरह है, और सबका पोषण बड़ा जरूरी है। तो बात तो दीनदयाल उपाध्याय भी वही दोहरा रहे हैं जो पहले कही गई। और सारी दुनिया में जो संकट है सभ्यता का, उस सभ्यता के संकट पर कभी अमेरिकी विचारक सैमुअल हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसे संज्ञा दिया था कि सभ्यताएं लड़ेंगी। सही बात यह कि सभ्यता, सभ्य लोग तो नहीं लड़ते, असभ्य लड़ते हैं। अमेरिकी विचारक नोम चोम्स्की ने अमेरिका के समाज की चर्चा की है और माना जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा भाषा विज्ञानी है।
और उसने अमेरिकी समाज के तमाम चरित्रहीनताओं को उजागर किया है नोम चॉम्स्की ने, और उसने कहा कि ये कोई देश ही नहीं, यहाँ कोई संस्कृति ही नहीं। जब सैमुअल हंटिंगटन वहाँ लिख रहा था, उसके बाद उसके पहले हमारे यहाँ बिपिन चंद पाल कांग्रेस के नेता रहे, राष्ट्रवादी रहे, उन्होंने देश का ध्यान आकर्षित किया था कि एक मौका आएगा जब कुछ आस्तिकताओं आस्थाओं के लोग संघर्ष करेंगे। तो आज सारी दुनिया में वैसा ही तनावपूर्ण वातावरण दिखाई पड़ रहा है। क्या विश्व बैठा है बारूद के ढेर पर, इसकी दिशा क्या हो, जीवन की गति क्या हो, किधर जाएं, हमारा मार्ग क्या हो सकता, का पंथा, यही बात तो पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, श्रुतियोर विभिन्ना ऋषियोर नैका, श्रुतियाँ तो ढेर सारी हैं, ऋषि बहुत हैं, धर्मस्य तत्त्वम निहतम गुहायाम, धर्म का तत्व गुहा में है, महाजनो येन गता सपन्था। तो किधर चलें हम, किधर जाएं, युधिष्ठिर बता चुके हैं कि जहां महापुरुष जाएं उधर चलें, उस रास्ते में चलें। दुनिया में आर्थिक दृष्टि से पूंजीवाद है, समाजवाद है, और भी कई वाद हैं, अराजकतावाद भी है, हिंसावाद भी है, आतंकवाद चल ही रहा है। इस सबके सारी चुनौतियों से निपटने का उपाय, और यह उपाय सारी चुनौतियों से जूझने का, यह उपाय दीनदयाल जी की अपनी वैचारिकी में है। पहले लोग आर्थिक नीति के आधार पर मानते थे कि दुनिया की दो धाराएं हैं, एक वामपंथ मानते थे, एक पूंजीवाद मानते थे। तो जब दीनदयाल उपाध्याय जी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ये सिद्धांत रख चुके थे, तो उस समय राष्ट्रवादियों में कि यह भारत का दर्शन थर्ड वे है, एक वे एक मार्ग पूंजीवाद का अथवा वामपंथ का, इन दोनों को दो मार्ग, और ये कहा गया था कि ये तीसरा मार्ग है और दुनिया को इसकी आवश्यकता है, और दुनिया को इसकी आवश्यकता है ये बात दुनिया भी जानती है, तनावग्रस्त है, उनके समाज टूट रहे हैं, सामाजिक विखंडन हो रहे हैं, परिवार नाम की संस्था दुनिया के तमाम देशों में बिखर गई, टूट गई, यहाँ भी टूटने की तैयारी में है। तो इस सब को एक बिंदु पर लाकर और इसके समाधान की दृष्टि से काम करना, तो क्या मार्ग हो सकता है, सारी दुनिया जानती मार्ग वही हो सकता है। लेकिन दुनिया की आदत ये है कि आपके पास शक्ति हो तो आपकी बात सुनते हैं, और कमज़ोर आप हैं तो आपकी बात कोई सुनता नहीं। तो विचार तो हम लोगों के पास, भारत के पास बहुत पहले से श्रेष्ठ हैं, लेकिन शक्ति संपन्नता की कमी रही है, और आपका ज़्यादा सौभाग्य है, हमारा दोहरा सौभाग्य है कि इसी काशी से, इसी क्षेत्र से दीनदयाल उपाध्याय की किताब लेकर, दीनदयाल उपाध्याय का विचार लेकर एक व्यक्ति सांसद है इसी क्षेत्र से, और उस व्यक्ति ने सारी दुनिया में दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन, भारत मंत्र, भारतीयता का मंत्र, संस्कृति का मंत्र सारी दुनिया के सामने रखा है, और सारी दुनिया उसके गीत को, उसकी कविता को, उसके हाव भाव को, उसके उंगली उठाने को, उसके मुस्कराने को, उसके प्रकट होने को, भाषण देने को, सारी दुनिया बहुत ध्यान से देखती है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप उसे चुनकर भेजते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस विचार के कार्यकर्ता हैं। तो अब सारी दुनिया को दीनदयाल की बात तो सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, किसी को कड़वा लग सकता है, सुननी चाहिए कहूँ तो मैं आचार्य हो जाऊँगा, मैं आचार्य हूँ नहीं, आचार्य चाहिए में बोलते हैं, और बोलना चाहिए उनको, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हमारा तो कहना यही है कि बात तो सुननी पड़ेगी। अब सुननी इसलिए पड़ेगी कि दीनदयाल उपाध्याय का विचार, भारतीय राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये है भारत का तत्व है, भारत का अंतस है, भारत का छंदस है, भारत का बीज मंत्र है, भारत के लिए ऋचा है, भारत के लिए आदर्श है, भारत के लिए ध्येय निष्ठा है, यह
संस्कृति का आराधन। और आज ऐसी स्थिति आ गई है जब भारत वैचारिक दृष्टि से, सारी दुनिया का तनाव दूर करने की दृष्टि से, व्यक्ति व्यक्ति के भीतर एक ही प्राण आत्मा जानने की दृष्टि से, आस्थाओं के आधार पर युद्ध को रोकने की दृष्टि से, बलशाली होने के आधार पर कुछ देशों की दादागिरी रोकने की दृष्टि से, लोकतंत्र को बचाने की दृष्टि से, दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार अब सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए और हमको सुनाना चाहिए। हम इसके पहले लैस हो रहे हैं इस हथियार से, इतना पर्याप्त नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी हम जान लें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी हम जान लें, अरविंद की जान लें, विवेकानंद की जान लें, इतना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त यह है कि उसके सापेक्ष एक विचार वामपंथ का है, वो बड़े कील कांटा के साथ, बड़ी तैयारी के साथ काम करते हैं, यद्यपि वह अब लुप्त प्राय प्राणी हो रहे हैं, इतिहास में उनका स्थान कम है, लेकिन एक विचार है और विचार रहता है। ऐसे ही हमारा एक विचार है और हमारा विचार हमारा गढ़ा नहीं, ये रित और सत्य के रूप में सृष्टि के प्रथम दिन से ही यह विचार है और इसे सारे महापुरुषों ने इसे ही दोहराया है अपने अपने ढंग से। गांधी ने भी, डॉक्टर अंबेडकर ने भी, डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को ध्यान से पढ़ने में, वो राष्ट्रवाद के मामले में दीनदयाल उपाध्याय के निकट अगल बगल दिखाई पड़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय उनके निकट दिखाई पड़ते। ये अध्ययन तो आप सब जैसे विद्वानों के शोध का विषय है। हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हम काशी में हैं, हमारे माता हमारे पिता और उनके माता उनके पिता, हम लोग काशी की कहानियाँ सुना करते थे, काशी हम लोगों के लिए किंवदंती रही, वहाँ जाना, वहाँ पर निधन हो जाना, सीधे स्वर्ग चले जाना, ऐसी बातें हम लोगों के गांव में अभी भी चलती और इन बातों का अपना रस, इन बातों का अपना स्रोत है। मैं थोड़ा देर से आया और मुझे लगता है मैंने थोड़ा देर ज़्यादा अपना निवेदन रखा है। हम बधाई देते हैं आयोजकों को, मिश्रा जी को, पाठक जी को और मित्रों को, कि उन्होंने इस विषय पर यहाँ एक सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है बार बार कि मैं साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और जो मेरे सपनों में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उस विद्यालय के सभागार में मुझे बोलने का अवसर मिला है। और ये भी और विडंबना हो सकती है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग, सुयोग्य हैं, बड़े विद्वान हैं, उनके सामने बोलने का मौका मिला है। मैं उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जो वरिष्ठ हैं, और जो बच्चे हैं उनको बहुत प्यार, बहुत आशीष, बहुत शुभकामना देता हूं कि वह भारतीय राष्ट्रभाव, भारत का तत्वतः मूल विचार जिससे लोकतंत्र का जन्म हुआ, भारत की ऐसी परंपरा और संस्कृति, यह सब भारत द्रव्य के रूप में आपके चित्त में, आपके मस्तिष्क में, आपके विचार प्रवाह का अविभाज्य हिस्सा बने। आप बोलो तो राष्ट्रवाद, हंसो तो राष्ट्रवाद, मूक रहो तो राष्ट्रवाद। आप किसी भी भाव भंगिमा में रहो, आप गुस्साओ तो अंग्रेजी बोलो तो, हिंदी बोलो तो, संस्कृत बोलो तो, विद्यालय में हो तो, आकाश देखो तो, चंद्रमा को देखो तो, नक्षत्रों को देखो तो, कविता में बोलो, चाहे गद्य में बोलो, चाहे पद्य में बोलो, भारतीय राष्ट्रवाद का कोई विकल्प नहीं। और यह भारतीय राष्ट्रवाद भारत का है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व की व्यवस्था को, वर्ल्ड सोशल आर्डर को बदलने की, और पूरे सोशल आर्डर को, जो दुनिया का सोशल आर्डर है, उस सोशल आर्डर में प्रीति रस घोलने की क्षमता इस भारतीय राष्ट्रवाद में है। यह राष्ट्रवाद जर्मनी जैसा राष्ट्रवाद नहीं, इंग्लैंड जैसा राष्ट्रवाद नहीं, दुनिया के अन्य देशों जैसा राष्ट्रवाद नहीं। उस राष्ट्रवाद का जन्म ईसा की 10वीं शताब्दी के बाद हुआ है, जो जर्मनी का, यूरोप का राष्ट्रवाद है। और भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म ऋग्वेद के रचना काल में हो चुका था। अनेक जगह पर ऋग्वेद में राष्ट्र है, अनेक जगह पर यजुर्वेद में राष्ट्र है, अनेक जगह पर अथर्वेद में राष्ट्र है, महाभारत में राष्ट्र है, रामकथा में राष्ट्र है। तो ये भारतीय राष्ट्र, भारतीय राष्ट्रभाव, यह एक भिन्न प्रकार का है।
इससे इसमें सारी दुनिया का फायदा है। यह भारतीय राष्ट्रभाव दूसरे राष्ट्र से टकराने वाला राष्ट्रभाव नहीं। हमारी प्रार्थना में एक सुंदर मंत्र आता है, अजय्याम च विश्वस्य देहि च शक्तिम। तो वहाँ पर हमने देव शक्तियों से अजेय होने का वर मांगा कि हमको कोई हरा न पावे और हम किसी को हराएं ऐसा नहीं मांगा कि हम किसी को जीत लें, हम अजेय बने रहें और सारी दुनिया के लिए काम करते रहें। जब सोचें तो विश्व के बारे में विचार करें, अपना मूल बहुत विचार लेकर, एकात्मानव दर्शन का विचार लेकर। और हमारे यहाँ तो छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाते हैं, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके, पूरा लोकमंगल की आराधना, लोकमंगल की स्तुति, लोकमंगल का ध्येय, यही लेकर हम चलते हैं, चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बुलाया और हमारी बात की।